वो सारा अली खान फादर, महात्मा गांधी। सारा अली खान को पहली बार एक देशभक्त की भूमिका निभाते हुए दिखा जाएगा, पहली बार उनकी आवाज रेडियो में सुनाई देगी। यह हिंदुस्तान की आवाज। टीजर में दिखाया जा रहा है सारा अली खान एक रेडियो स्टेशन से कुछ बात बताना चाहते हैं पूरे इंडिया को। अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है। इस डायलॉग से लग रहा है ये फिल्म ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट इंडियन जवानों के मूवमेंट के बारे में है। सन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, आप सभी को पता है। उस समय इंडिया पे मौजूद राइटर से लेके पत्रकार, थिएटर आर्टिस्ट से जुड़े हुए कलाकार, हर कोई क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ दिए थे। और ब्रिटिश को बताया था इंडियन यूथ का ताकत। ये फिल्म शायद इंडियंस के बारे में है, इंडियन यूथ के बारे में है जो क्विट इंडिया मूवमेंट पे अपना बलिदान दिया था और अपना साहस का परिचय दिया था। पर हमें भगा रहे हैं विदेशी। आपको शायद पता होगा दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने उस समय इंडिया के ज्यादातर राइटर्स, पोएट्स, थिएटर और रेडियो से जुड़े लोगों को जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनका आवाज दबाने के लिए कुछ भी किया। लेकिन उस समय इंडिया पे कुछ ऐसे जवान भी थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए और इंडिया को फ्रीडम फाइटिंग में मदद किया। इस टीजर में सारा अली खान के जो कैरेक्टर दिखाया गया है उससे लगता है सारा अली खान भी क्विट इंडिया मूवमेंट के हिस्सेदार रहे होंगे। आपको बता दे दोस्तों, एक थी डायन के डायरेक्टर कन्नन अय्यर ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है जो कि ऑफिशियली अमेज़न प्राइम पे आने वाला है। वैसे आपको बता दे दोस्तों, कन्नन अय्यर इससे पहले भी बहुत अच्छे फिल्म किए हैं, जैसे एक थी डायन, दाऊद और विक्ट्री जैसे फिल्म। ऐ बतन मेरे बतन के बारे में जब सारा अली खान से पूछा गया तो वो बोलते हैं कि वो बेहद खुश है ऐसे एक फिल्म का हिस्सा होने का, और ये भी कहती है ऐसा फिल्म जो इंडिया के ट्रू इवेंट्स के बारे में है, जो साहस और विक्ट्री दर्शाती है, जो एक इतिहास बताती है, वैसे फिल्म का हिस्सा होने का एक गर्व है। उन्हें बेहद खुशी है कि उन्होंने इस फिल्म का एक हिस्सा बना। आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है करण जौहर और ये फिल्म को लेके वो भी बेहद ही खुश है। उन्होंने आज सुबह अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट डाला है सारा अली खान का इस टीजर के लेके। हमें पर्सनली ये टीजर बेहद ही अच्छा लगा। सारा अली खान का वॉइस रेजोनेट करता है काफी, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, बहुत ही अच्छी तरीके से बोला गया है। हालांकि टीजर में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन टीजर देख के लगता है सारा अली खान एक रेडियो स्टेशन पे काम करता है और किसी के डर के मारे एक कमरे के अंदर बैठ के पूरे इंडिया को कुछ बताना चाहते हैं, इंडियंस यूथ को एक साथ करने की एक मंत्र बोलना चाहते हैं। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। कुल मिला के ए बतन मेरे बतन फिल्म में सारा अली खान को एक नए अवतार में दिखा जाएगा, जो कि काफी अच्छा है, पूरा अलग है। पहले उन्होंने जिस तरह की फिल्म की है ये फिल्म सबसे अलग है, उनको एक नए अवतार में दिखा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि सारा अली खान जो है इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाएगा। दोस्तों आपका क्या विचार है इस फिल्म के बारे में, हमारे साथ शेयर कीजिए अपना ओपिनियन। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले सबसे तेज फिल्म और एंटरटेन से जुड़ी हर एक खबरें आपको मिल सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।